एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ ये इंडिपेंडेंस डे मेकअप लुक सीरीज की दूसरी मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही सिंपल वे एंड एफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ क्रिएट किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. First of all, मैंने फुल फेस को प्राइम करूंगी पतंजलि एलोवेरा जेल की हेल्प से। ये एलोवेरा जेल बहुत ही लाइटवेट है एंड मिनटों में ही ओपन पोर्स मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। तो इसे मैं फिंगर की हेल्प से फुल फेस में अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ एंड लास्ट में प्रेस कर रही हूँ ताकि जेल स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग लोटस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर क्रीम। ये जेल बेस्ड क्रीम आपकी स्किन को सन प्रोटेक्ट करती है एंड ब्राइटनिंग एंड स्किन ग्लॉस करने में भी हेल्प करती है। तो इसे मैं फिंगर की हेल्प से फुल फेस में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये जेल बेस्ड क्रीम बहुत ही लाइट वेट है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट मैंने फेस हाईलाइट के लिए ओलिविया पेन स्टिक ले लिया है। गाइस, ये पेन स्टिक एफोर्डेबल के साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से स्किन को ब्राइटन अप करती है। आप कोई भी ब्रिडल मेकअप करने चाहती हो तो ये फुल कवरेज पेन स्टिक जरूर अप्लाई करना। तो इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लिया है। सो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। और एक बात गाइस, ये ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रश दोनों से ही बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। फुल फेस एंड नेक एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पेन स्टिक को सेट कर रही हूँ ग्लैम 21 सेटिंग स्प्रे से। ये स्टेप फॉलो करने से आपकी मेकअप केकी भी नहीं लगेगा एंड ओवर मेकअप भी नहीं लगेगा। 2-3 मिनट के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए एंड फुल फेस को और एक बार सेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाई कवरेज वाला फाउंडेशन चॉइस किया है, स्विस ब्यूटी हाई कवरेज फाउंडेशन। यहाँ पे मेरा शेड नंबर है 04 मीडियम बेज। ये फाउंडेशन थोड़ा सा ही अप्लाई करिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अमाउंट अप्लाई करने से ही आपकी फेस में चेंज दिखाई देगा। तो 1 ड्रॉप लेके ब्लेंडर से ही फुल फेस में प्लेस करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये फाउंडेशन बहुत ही जल्दी ब्लेंड भी हो जाती है एंड लास्ट में एक नेचुरल फिनिश भी प्रोवाइड करती है। सो फाउंडेशन को सेट कर लीजिए कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से। मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा कॉम्पैक्ट लिया है। ये कॉम्पैक्ट अप्लाई करते ही आप लोग देखिएगा मेरे फेस में जो शाइन दिखाई दे रहा है वो अचानक से ही गायब हो जाएगा, जो इस लुक में मुझे जरूरत है। बहुत ही अच्छा वाला एंड अफोर्डेबल प्राइस में ये कॉम्पैक्ट इंडिया में अवेलेबल है फ्रेंड्स। मैंने इसकी रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आईब्रो ब्रश लेके आईब्रो अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। इससे आईब्रो ड्रॉ करने में भी दिक्कत नहीं होती है। आप लोग भी ये टेक्निक जरूर अप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट मैंने SFR पैलेट से ब्राउनिश शेडो लेके एंड एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से आईब्रो ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस मेकअप लुक में मैंने जो जो भी प्रोडक्ट यूज किया है सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉन्टूर करने के लिए हिलारी रोडा पैलेट चॉइस किया है एंड एक फ्लॉपी एंगल ब्रश की हेल्प से जॉलाइन चीक एंड नोज एरिया पे अच्छे से कॉन्टूर कर लूंगी। कॉन्टूर करने से आपकी फेस और भी ज्यादा डिफाइन लगती है एंड मेकअप भी और भी ज्यादा इनहेंस लगती है। फेस कॉन्टोर कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उस वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, आप चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले लूज पाउडर एक फ्लॉपी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ ताकि शेडो फॉल आउट की वजह से आपकी मेकअप बेस खराब ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिलारी रोडा पैलेट से डार्क ब्राउनी शेडो लेके फुल आईलिड एंड क्रीज लाइन पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूंगी एंड उसके साथ ही साथ अच्छे से ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी, इससे मेकअप बैलेंस भी होगा एंड मेकअप दिखने में भी इनहेंस लगेगा। सो नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से ही डार्क मॉर्पिश मैरून शेड लेके आईलिड एंड आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे आपकी आई मेकअप को थोड़ा सा डेप्थ भी मिलेगा और इससे आपके आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगेगा। सो अभी मैं सेम शेडो लोअर लैश लाइन पे भी प्लेस कर रही हूँ।
देन मैंने एसएफआर पैलेट से लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड और भी ज्यादा डेप्थ देने के लिए आउटर वी से इनर कॉर्नर तक हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर लेके आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ। इस लुक को मैंने हैवी रखा है फ्रेंड्स, मुझे हैवी मेकअप लुक फेस्टिव सीजन में बहुत ही पसंद है। सो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस सीरीज की दूसरी मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अभी तक इंडिपेंडेंस डे सीरीज की पहला वाला सॉफ्ट ग्लैम इंडियन मेकअप नहीं देखा है तो चेक द इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैंने यहाँ पे सेंटर आईलिड पे फिंगर की हेल्प से ही शाइनी गोल्डन कलर प्लेस कर रही हूँ। आप और भी ज्यादा ड्रामेटिक आई लुक चाहते हो तो इस जगह पे ग्लिटरी शेडो भी यूज कर सकते हो। अभी मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो हार्शनेस दिखाई दे रहा है वो क्लीन आउट कर रही हूँ। अभी मैं स्विस ब्यूटी की लाइनर लेके एक हल्का सा थीन लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लैशेस कर्ल कर रही हूँ वेगा आईलैश कर्लर की हेल्प से एंड मेबिलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम लैशेस मस्करा की हेल्प से अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मस्करा बहुत ही अच्छा एक मस्करा है एंड ये मस्करा अप्लाई करने से आपको कोई भी फॉल्स आईलैशेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल की हेल्प से बोल्ड काजल अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं एक फ्लॉपी पाउडरी ब्रश की हेल्प से एक्सेस पाउडर रिमूव करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे ब्लशर सेट लिया है, ये फ्लावर कॉस्मेटिक की ब्लशर सेट है। ये पैलेट ब्लशर पैलेट है लेकिन फेस हाइलाइटर बहुत ही अच्छे से करती है। तो इसे मैं फेस के यूजुअल प्लेसेस में मतलब इनर कॉर्नर, ब्राउ बोन, चीक, क्यूपिस बो एंड नोज पे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन एक फ्लॉपी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से नेक एरिया पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ। इस मेकअप लुक में मैंने दोनों लिप शेड की ऑप्शन रखा है गाइस, दोनों लिप शेड अप्लाई करके ही आपको दिखाऊंगी। सो नंबर वन पे मैंने रखा है मोर विश पिंक जैसे लिप सेट। ये मेकअप लुक पे ये लिप सेट बहुत ही सुंदर से जाएगा। ये है मोर विश पिंक लिप शेड लुक गाइस। एंड नंबर टू, ऑल वी बोल्ड लुक अचीव करने के लिए मैट मैरून शेड अप्लाई करिए। ये शेड इस लुक पे और भी ज्यादा सुंदर लगती है। सो गाइस, ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। मैंने इस लुक को चौकर सेट से कैरी किया है। Do you wanna know? तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक प्यारा सा लाइक करिए और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए।